नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी। दोस्तों अभी मैं हूँ वैशाली ज़िला में, जहाँ पर एक बहुत ही उन्नत तरीके से बायोफ्लोक प्रणाली के द्वारा मछली पालन हो रहा है। साथ ही ये मछली का बीज भी बेचते हैं और फीड भी बेचते हैं। आमतौर पर दोस्त बहुत सारे लोग मछली पालन करना चाहते हैं तो एक समस्या आ जाती है मछली के सीड्स की, कि कहाँ से हम मछली का सीड्स लें, क्योंकि अगर ऑथेंटिक जगह से अगर आप नहीं लेते हैं तो ठगे जाएंगे। तो ये बड़ी समस्या है, तो इस समस्या का निदान आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, बहुत सारे सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं इस फॉर्म के ऑनर ब्रजेश सर से। तो अभी यहाँ के ऑनर हमारे साथ हैं ब्रजेश सर, तो इनसे हम बात करते हैं और बहुत सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे, तो सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है सर। जी स्वागत है, धन्यवाद सर। अपना सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम ब्रजेश कुमार हुआ, हम इसी गांव के वासी हैं। ये हमारा गांव है बिलंदपुर, वैशाली जिला के अंतर्गत। सर ये जो प्लांट है बहुत बड़ा प्लांट है, शायद बिहार में इस तरह का तो मैंने नहीं देखा है, बहुत जगह मैं भी घूमता हूँ। तो ये कब शुरुआत हुई थी इसकी? ये प्लांट का मतलब इसको बनाने का काम तो पिछले साल अक्टूबर में शुरू किए थे, अक्टूबर से इसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है। लेकिन ब्रीड इस बार मई से लेकर के अभी 20 दिन पहले तक इसमें ब्रीडिंग का काम किए हैं, जीरा मंगाए हैं, डाले हैं। या इसमें से और लोगों को जो छोटे छोटे पालक हैं उनको जीरा दिए भी हैं बहुत सारे लोगों को। तो मतलब यहाँ मछली का काम इस बार मई 10 मई के बाद से शुरू हुआ है, उसके पहले कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो यहाँ पर सर कौन कौन सी प्रजाति की मछली किसान ले सकते हैं? यहाँ तो अभी हमारे पास अमेरिकन रोहू, जिसको गोल्डन भी बोलते हैं, या पंगासियस है, उसके बाद कॉमन कॉर्प है, ये अमूर कॉर्प है, मोनोसेक्स है, कवई है, ये सब हमारे पास है। तो फिलहाल अभी इतना है आपके पास। तो एक सवाल सर है कि बहुत सारे जो नए जो फार्मर हैं उनके साथ एक परेशानी आ जाती है कि अपने तालाब में किस तरह के सीड को हम डालें, तो थोड़ा सा उनको थोड़ा मार्गदर्शन दे दीजिए। देखिए बीज तो कम से कम ऑथेंटिक जगह से ले। एक तो छोटा किसान 300 400 500 हज़ार 2000 वो बंगाल से नहीं मंगा सकता है। और यहाँ लोकल में समस्या क्या है कि लोकल में लोग ऑथेंटिक बीज नहीं देते हैं, बोलेंगे रोहू दे देंगे कॉमन कॉर्प। इसलिए कम से कम गारंटेड जगह हो जहाँ बीज गारंटेड मिले और अच्छे क्वालिटी का बीज मिले, क्योंकि बीज का एक समय होता है ऑलमोस्ट मई से लेकर के जून जुलाई तक ही बीज की उपलब्धता नॉर्मल ढंग से होती है। उसके बाद सालों भर वो रखा हुआ बीज रहता है, वो कोई उसका ग्रोथ ऐसा नहीं आएगा। साल में एक ही बार अच्छे नस्ल का बीज मई से जुलाई के बीच में, अगस्त तक में मैक्सिमम किसान जिनको फार्मिंग करना है इस पीरियड में अपना सीडिंग का काम कर लें। अगर बात तालाब में मछली डालने की, बीज डालने की जाए, तो कितना साइज का बीज डालेंगे तो उनको लाभ मिलेगा सर? इस बीज तो किसी भी साइज का ग्रोथ करेगा ही, मतलब अंगुली का 3 इंच का बीज सबसे अच्छा माना जाता है कि उसमें मोर्टिलिटी कम आती है। बीज अगर 1/2 इंच का भी डालते हैं तो बीज हैं उसमें भी ग्रोथ आएगा ही, लेकिन एक तो वो 15-20 दिन 25 दिन समय लेगा ग्रोथ का, दूसरा कि उसमें मोर्टिलिटी की संभावना, चूँकि मछली जितना कोमल होगा नर्म होगा मोर्टिलिटी उतना ही ज़्यादा आएगा। अंगुलिका में मोर्टिलिटी कम होता है, उसमें मरने का दर कम होता है, तो किसान का बचत होता है समय का भी और पैसे का भी, मोर्टिलिटी कम होने की वजह से। एक सवाल है सर कि बहुत सारे लोग कमेंट करके हमको भी बोलते हैं कि कैटफिश पालना ज़्यादा फायदेमंद है या IMC? नहीं, मैंने बिहार के मार्केट के हिसाब से बहुत सारे, जैसे एक्चुअली बायोफ्लॉक जो है इंडियन कल्चर नहीं है, ये बायोफ्लॉक इजराइल से या मलेशिया से, वहाँ से आया है ये, जहाँ पानी की कमी है, ये इंडियन कल्चर का ये नहीं है। लेकिन बिहार में है कि तालाब की कमी है, ज़मीन कम है, कम से कम जगह पर टेक्निकली कैसे मछली का पालन किया जा सकता है, हम उसी पर प्रयोग किए हैं ये। तो इसमें IMC भी हो सकता है, जिस तरह का एरिएशन सिस्टम जो और लोग दिखा रहे हैं या और लोग जो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए झूठ बोल करके वीडियो बना रहे हैं या बहुत सारी बात है, यहाँ एरिएशन का कोई सिस्टम ऐसा नहीं है, यहाँ डायरेक्ट एरिएशन है। और आप देखे होइएगा अभी कि यहाँ जब एरिएशन चालू रहता है तो लगता है जैसे कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है वैसे पानी का हिलोर रहता है, और जितना पानी में मूवमेंट रहेगा मछली के लिए उतना ही बेनिफिशियल होता है। तो इसमें IMC हो सकता है, और IMC यहाँ के मार्केट के ख्याल से IMC ज़्यादा वायबल है, क्योंकि यहाँ हाथों हाथ बिक जाएगा। कैटफिश में जो मांगुर है जिसका अच्छा ग्रोथ होगा, बिहार में बैन है, बिहार ऑल ओवर इंडिया में ही बैन है, तो उसका ग्रोथ का कोई मतलब ही नहीं है। और जो भी और कैटफिश की वेराइटी है उससे ज़्यादा IMC प्रोडक्ट का कीमत ज़्यादा मिल जाता है, वैल्यू ज़्यादा है। हाँ वैल्यू ज़्यादा है।
ये जो यहाँ पर जो तकनीक हम देख रहे हैं सर, ये जो टैंक है, तो ये कौन सी तकनीक पर आधारित है? ये बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है। इसमें है कि बायोफ्लॉक क्या है कि हम मछली को जो खाना देते हैं तो एक इसमें फ्लॉक तैयार करते हैं, हम बैक्टीरिया तैयार करते हैं, उसके मछली के पॉटी को खा करके फिर वो खाना में कन्वर्ट कर देती है। तो इसको बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी बताती है। इसमें खाना का खर्च कम होता है और सीमेंटेड टैंक का कंसेप्ट हमारे अपने दिमाग का उपज है। ये ऊपर जो आप शेड देख रहे हैं, किसी भी बायोफ्लॉक वाले के यहाँ आप इस तरह का सेट नहीं देखिएगा, वो चट्टी दे करके करते हैं। लेकिन हम बांस का फट्ठा इसलिए दिए कि टेम्परेचर कंट्रोल करना, इस टेक्नोलॉजी में सबसे मेन चीज़ है टेम्परेचर कंट्रोल करना, क्योंकि मछली 35 डिग्री के बाद या 15 डिग्री से कम पर सर्वाइव नहीं करवाती है। तो ये आप सर यहाँ पर मछली का भी उत्पादन करते हैं और जीरा भी बेचते हैं? हाँ, मछली, जीरा, दाना सबका हम मेडिसिन के लिए भी टाई अप कर रहे हैं। और दाना भी बिहार में कहीं कोई दाना मछली का नहीं बन रहा है, अभी छत्तीसगढ़ से आ रहा है या अलग से आ रहा है। हम यहाँ दाना का भी प्लांट भी हम एक महीने के बाद, मतलब अगला जो क्रॉप आएगा दिसंबर में, हमारी सारी तैयारी हो जाएगी कि जनवरी से हम जीरा, दाना, मेडिसिन या टेक्निकली सपोर्ट सब कुछ यहाँ से दे पाएंगे। यानी कि मैं कहूँ कि किसानों का सारा जो निवारण होगा तो आपके यहाँ से आप हो सकता है? बिल्कुल, सारा एक ही जगह हो जाएगा और ऑथेंटिक जगह है। हम ये नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम स्वयं जो कर रहे हैं वही करवाएंगे, जो हम कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए, बहुत सारे जगह ऐसा है कि लोग ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग के दो दिन पहले बड़ी साइज की मछली ला करके और लोगों को धोखा देने के लिए ऐसा ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ कभी भी आप आ सकते हैं, यहाँ हमारा स्टाफ ही रहता है, हम नहीं है तो स्टाफ है, 24 घंटा ये फंक्शन में है। और यहाँ हम सब कुछ जो ऑथेंटिक और गारंटेड होगा, जो हम अपने आजमाए हुए हैं, वही चीज़ हम दूसरे को दे पाएंगे। अगर सर तालाब की बात की जाए, बहुत सारे तालाब भी है यहाँ पर, तो अगर उसमें मछली पालन करना चाहे नए किसान, तो अगर 1 एकड़ है उनके पास, तो कितना उसमें IMC डाल सकता है और कितना कैटफिश डाल सकता है? देखिए, तालाब है तो IMC करें, सबसे बेटर है उसके लिए। लेकिन कैटफिश डालने से होता है कि IMC का भी ग्रोथ आता है। IMC में ये कैटफिश मछली जो है उसको खाने का हैबिट ज़्यादा होता है, तो वो अपने साथ साथ उस सबको खिलाना सिखा देती है। तो वो कैटफिश अगर थोड़ा सा मात्रा में हो तो IMC प्रोडक्ट का भी ग्रोथ थोड़ा अच्छा आ जाता है। लेकिन एकड़ के हिसाब से, मतलब अगर 1 एकड़ है तो वो 25,000 से 40,000 तक साइज़ के हिसाब से। अगर 3 इंची का डालें तो 25,000 से 30,000 डालें, अगर छोटा डालें तो 40,000 डालें, इस तरह से डालें कि मोटी 1 एकड़ में 25,000 से 30,000 तक मछली डाला जा सकता है। दोनों मिक्स करके? हाँ, दोनों मिक्स करके। मतलब 20% का कैटफिश का रेशियो रखे, 80% IMC रखे। कैटफिश से फ़ायदा ये होगा कि वो और सारी मछली में ग्रोथ थोड़ा सा बढ़ा देता है, सबको खिलाने का दौड़ाने का एक हैबिट बना देता है। और रेट हमको IMC में ज़्यादा मिल जाएगा, कैटफिश का रेट उतना अच्छा नहीं मिलता है। सही बात है, बहुत सारे किसान भी बोले कि अगर 1 किलो हम पंगास का उत्पादन करते हैं तो इसमें 80 रुपये खर्च ही पड़ जाता है और 100 रुपया 110-115 का बिकता ही है, तो बहुत ही कम खर्च भी है, बहुत कम उसमें मार्जिन भी है। सही बात है, उनका कहना सही है, 70 रुपये किलो तक खर्च आता है और 110 से ज़्यादा इसका रेट नहीं है। और ये भी कहते हैं लोग कि अगर पंगास है तो अगर 10 को बुलाएंगे तो 1 लेने आएगा, और IMC की बात अगर कहें तो 1 को बुलाएंगे तो 10 लेने आएगा। हाँ, ये बात भी सही बात है। पंगास के लिए हमको मार्केट खोजना पड़ता है, IMC के लिए मार्केट की कोई कमी अभी बहुत दिनों तक बिहार में नहीं है। जो नए पालक है जो मछली पालना चाहते हैं, उनको एक मैसेज दे दीजिए कैसे ये बेहतर स्वरोजगार है। नहीं, अगर वो 2 टैंक से भी करना चाहे, मतलब कि अभी जो हमारे लोग दिल्ली, पंजाब ये सब जा रहे हैं कमाने के लिए, अगर 2 टैंक, 1 कट्ठा ज़मीन, मतलब 1500-2000 स्क्वायर फीट में भी अगर 2 टैंक से भी शुरुआत करेंगे तो उनकी बेरोज़गारी निश्चित रूप से दूर होगी। बस यूट्यूब पर और धोखे पर दिखाए हुए प्रोडक्ट को नहीं ले, किसी भी ऑथेंटिक जगह जाए जहाँ आजमाया हुआ फार्मर हो, उनसे संपर्क करके ही कोई सामान ले। क्योंकि लोग बाहर के लोग, दिल्ली और पुणे कलकत्ता के लोग अपना प्रोडक्ट बेच लेंगे, उनको मतलब नहीं है आपसे, यहाँ का लोग तो यहीं रहेगा। इसलिए यहाँ के लोग से संपर्क करके और सही प्रोडक्ट ले, सही चीज़ डाले, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। आज के युवाओं को कुछ मैसेज दीजिए सर, जो युवा बेरोजगार है घर पर, या कह सकते हैं उसको स्व बेरोजगार भी बहुत सारे लोग हैं जो करना नहीं चाहते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, तो उनको कुछ मार्गदर्शन दे दीजिए। बिल्कुल, मैं जो भी मछली पालन है इसमें
मतलब बिहार का जो पॉपुलेशन स्थिति है, जो बेरोज़गारी है, जिस तरह से यहाँ से लोग माइग्रेंट होते हैं, यहाँ से दूसरे जगह जाते हैं, अगर इसको स्वरोजगार के रूप में अपनाया जाए तो किसी भी फैक्ट्री में 10,000 की नौकरी करने से ज़्यादा फायदेमंद है। और हर हाल में बिहार का 70% लोग इसमें इंगेज हो जा सकते हैं। इतना बड़ा सेक्टर है कि दुनिया के 70 देशों में हमारे यहाँ से मछली जाता है। आप स्वयं बिहार की बात कीजिए कि ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहाँ एवरीडे 4 से 5 ट्रक आंध्रा से मछली नहीं आती हो। कम से कम हम अपनी आवश्यकता को भी पूरा करेंगे तो 25-30% यहाँ का बेरोजगारी दूर हो जाएगा। सही बात है, मछली के मामले में तो आत्मनिर्भर होना ही चाहिए बिहार को। हम आत्मनिर्भर होते हैं तो हम कम से कम आंध्रा को रोक पाएँ, तब भी हमारे लिए बहुत है। अगर इससे आगे स्कोप है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले, अगर मछली को विदेश भेजने तक का कोई हर ज़िला में एक प्रोसेसिंग सेंटर हो, तो हम दावे के साथ कहते हैं कि बिहार का बेरोजगारी मछली से ही दूर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ का पानी का क्वालिटी ऐसा है कि यहाँ का मछली बहुत टेस्टी होता है। जो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत अच्छी जानकारी किसान बंधुओं को आपने दी, और उम्मीद है कि किसान बंधु आपसे आपके बातों द्वारा बहुत लाभ उठाएंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी दोस्त, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।